नमस्कार दगड़ियों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड। तो चलिए आज उत्तराखंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। उत्तराखंड स्टेट इंडिया का 27 स्टेट है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश स्टेट का पार्ट हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और उत्तरांचल के नाम से जाने जाना लगा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड जनवरी 2007 में पड़ा, जिसका मतलब है उत्तराखंड। उत्तरा मीन्स नॉर्थ, खंड मीन्स रीजन, तो नॉर्थ का रीजन, इसीलिए इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं ने वास किया है। जैसे बहुत सारे पूजनीय स्थल भी यहाँ पे हैं, जैसे कि हरिद्वार जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, गंगोत्री जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम होता है, केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है, बद्रीनाथ जो कि 4 धाम में से एक 4 धाम है। यहाँ के कुछ मेन फेस्टिवल्स हैं कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगता है, नंदा देवी मेला जो अल्मोड़ा में लगता है, उत्तरायणी मेला जो बागेश्वर में लगता है, वहाँ का बहुत फेमस मेला है, पूर्णागिरी मेला जो टनकपुर शहर में एक पूर्णागिरी मंदिर है वहाँ पे लगता है, नंदा देवी यात्रा जो नंदा देवी मंदिर है नैनीताल में वहाँ पे की जाती है। उत्तराखंड की कैपिटल, विंटर कैपिटल है देहरादून जो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, समर कैपिटल है गैरसैंण जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। उत्तराखंड स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो टोटल मिलके उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मोस्टली हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें, स्टेट लैंग्वेज की, तो यहाँ पे गढ़वाल में गढ़वाली और कुमाऊं में कुमाऊनी लैंग्वेज बोली जाती है। उत्तराखंड के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जो कि उत्तराखंड को दूसरे स्टेट से डिफरेंट बनाता है, वो है उत्तराखंड इज ओनली दी स्टेट इन इंडिया विच हैज़ संस्कृत एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। जो उत्तराखंड है वहाँ पे संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो जिम कॉर्बेट ने 1936 में टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। टिहरी डैम जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है और भागीरथी रिवर पे बनाया गया है इसे, ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है और वर्ल्ड का वन ऑफ दी टॉलेस्ट डैम है। इंडिया की दो पवित्र नदियाँ जो कि इंडिया की पानी का मुख्य स्रोत माना गई है, वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से उनका उद्गम होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री से। तुंगनाथ जो कि शिवजी का सबसे बड़ा टेंपल वर्ल्ड में माना गया है, हाईएस्ट शिव टेंपल, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। सम ऑफ दी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जैसे नंदा देवी पीक जो कि 7817 मीटर ऊंची है, इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल जो कि अल्पाइन मस्क डियर है, जिसे हिंदी में कस्तूरी मृग बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मोनाल, जिसे हिंदी में डाफे के नाम से जाना जाता है, वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर जिसे ब्रह्म कमल बोलते हैं, और हिंदी में भी इसे ब्रह्म कमल के ही नाम से जाना जाता है, इसे ब्रह्मा का फूल माना गया है और ये साल में बस एक बार ही खिलता है। ब्रह्म कमल रात के टाइम पे खिलता है और माना गया है कि अगर कोई इसे खिलते हुए देखे तो बहुत शुभ होता है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, आप इसे खिलते हुए मांग सकते हैं और वो पूरी होती है। उत्तराखंड का स्टेट ट्री है बुरांस, जिसे जिसका फूल जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है बुरांस का फूल, उसका जूस बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी भी और हेल्दी भी होता है, इसे समर के टाइम पे पिया जाता है। ये रहे उत्तराखंड के 4 धाम। वैसे तो इंडिया के जो 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ,
पुरी, द्वारका और रामेश्वरम, लेकिन उत्तराखंड में एक छोटा सर्किट है जिसे बोलते हैं छोटा चार धाम, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। जो इसकी यात्रा है वो स्टार्ट होती है यमुनोत्री से, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, फिर चलते हैं गंगोत्री में, जहाँ गंगा नदी का उद्गम होता है। कहा जाता है, जो इसके पीछे स्टोरी है, कि भागीरथ जो राजा थे वो शिवजी की तपस्या करके गंगोत्री जो स्थल है वहाँ पे गंगा को लाए थे, ताकि जो उनके पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। फिर चलते हैं गंगोत्री से केदारनाथ की तरफ, जो कि शिवजी का मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। फिर केदारनाथ के दर्शन के बाद चलते हैं बद्रीनाथ, जहाँ पे आपकी चार धाम की यात्रा सफल होती है। बद्रीनाथ जो है वो विष्णु का मंदिर है, और वहाँ पहले की मान्यता है कि वो बद्री का जंगल, मतलब बेर का जंगल हुआ करता था, जहाँ पे विष्णु जी ने तपस्या की थी। तो इसलिए उस जगह को, वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया, उसे बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। और ये जो मुख्य भारत के चार धाम है उनमें से भी एक है। फिर आती है उत्तराखंड की ज्वेलरीज, जो यहाँ की जो मैरिड वुमेन्स हैं वो पहनती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी पहना हुआ है, इसे पिछौड़ा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम उत्तराखंड में नहीं हैं, तो हमारे पास सिर्फ पिछौड़ा अवेलेबल था, तो वो मैंने कैरी किया है। और बाकी है गलोबंद, जो कि गले में पहना जाता है, पौंजी, जो कि हाथ में पहने जाते हैं, नथ, जो कि नाक में पहनी जाती है। तो पहले है ये नथ, जिसको पहाड़ी में नथुली बोलते हैं। तो ये दो नथ हैं जो कि हमने दिखाई हैं, जो कि जो छोटी वाली है एक सर्कुलर में, जिसमें ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन नहीं है, उसे बोलते हैं कुमाऊनी नथ। और जो दूसरी है राइट साइड में नथ, उसे बोलते हैं गढ़वाली नथ, जो कि भरा हुआ डिज़ाइन है। वैसे नथ तो बहुत सारे स्टेट्स में पहनी जाती है, बहुत सारी गर्ल्स वुमेन पहनती हैं नथ, लेकिन उत्तराखंड का जो डिज़ाइन है वो उसको डिफरेंट बनाता है। तो ये दो डिज़ाइंस हैं, कुमाऊनी नथ और गढ़वाली नथ, जो कि यहाँ की औरतें पहनती हैं। फिर आते हैं हमारे पौंजी और गलोबंद। तो पौंजी जो हैं वो हाथ में पहने जाते हैं, आप अपने चूड़े के साथ, चूड़ियों के साथ, किसी के साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं। फिर आता है गलोबंद, जैसे नेकलेस है, मंगलसूत्र है, इसी की तरह आप गलोबंद भी गले में पहन सकते हैं। फिर आता है हमारा पिछौड़ा। जो पिछौड़ा है वो मैरिड, एक बार जब शादी हो जाती है फिर जो भी गर्ल्स हैं वो पहन सकती हैं। जो पिछौड़ा है वो पहले के टाइम पे, जब इतनी मशीन्स, कलर्स नहीं हुआ करते थे, तो पहाड़ों में औरतें इसे कपड़े को लेके एक येलो हल्दी में इसे डुबो के रखती थी, जिससे इसका बेस येलो कलर तैयार होता था। और फिर उसके बाद उसमें, जैसे आप डॉट्स देख रहे हैं, पोल्का डॉट्स जो इसमें बने हुए हैं, वो सिक्के से पिठिया में लगा के इससे रेड डॉट्स बनाए जाते थे, जो कि इसका पहले डिज़ाइन हुआ करता था। फिर उसको सुखा के औरतें जो हैं पहनती थी, लेकिन अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, तो आप जो ये डिफरेंट डिज़ाइन देख रहे हैं वो भी अब इस पे बनाए जाते हैं। ये जो भी अच्छे काम होते हैं, जैसे कोई भी शादी है, बचपन है, इन चीज़ों में पहना जाता है, या फिर कोई फेस्टिवल है उसमें भी ये पिछौड़ा जो है मैरिड वुमेन्स पहनती हैं। तो अगर इसके कलर की बात करें, जितना मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग येलो कलर जो है वो वीरता का प्रतीक है, जैसे कि उत्तराखंड से बहुत सारे वीर भी जन्मे हैं, तो ये वीरता को दिखाता है। और जो रेड कलर है वो सुहागन होने का प्रतीक है। तो जो ये पिछौड़ा है, जैसे ही शादी होती है, ये सारी मैरिड गर्ल्स गर्ल्स को मैरिड होने के बाद पहनाया जाता है, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। तो ये यहाँ पे है, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में यहाँ पे पिछौड़े आने लगे हैं। जैसे ये बहुत छोटा वाला साइज है, जिसे आप पूजा करते टाइम सिर्फ सिर पे रख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, जो साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। अब स्टोल्स भी आने लगे हैं, जो आप सूट के साथ भी एज अ दुपट्टा पहन सकते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के, इसमें पिंक कलर का है, इसमें रेड कलर का है, डिफरेंट डिफरेंट गोटा आप लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तराखंड के बारे में। आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या फैक्ट्स अच्छे लगे और क्या फैक्ट्स आपको अभी पता चले, पहले पता नहीं थे। और अभी उत्तराखंड की बहुत सारी बातें बाकी हैं, जैसे घूमने की बहुत सारे प्लेसेस हैं उत्तराखंड में,
अल्मोड़ा है, नैनीताल है, मसूरी है देहरादून में, इन सब टॉपिक पे अभी डिशेस हैं उत्तराखंड की, जैसे भटकी छुड़कानी आप लोगों ने सुना होगा, चेस सुना होगा, तो ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, तो अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।